हेलो एवरीवन, वेलकम यूट्यूब माय चैनल कुक विद सरेथ्रू में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं नया रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आप लोग को तो दिख रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते जाइए कि क्या बनाने जा रही हूँ मैं आज इस लौकी का। वैसे तो लौकी की सब्ज़ी बहुत लोग को पसंद नहीं आती, लेकिन मानिए अब कुछ इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट बनाइए तो आपको बहुत 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 पसंद आएगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक लौकी को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से लंबा लंबा। चलिए हम ग्रेट कर लेते हैं। और हाँ, बताइए आप लोग कैसे हैं। हमारा जो लौकी है बिल्कुल यहाँ ग्रेट हो चुका है। तो हम इसमें हाफ करीब 50 ग्राम जो है बेसन डाल देंगे और 100 ग्राम इसमें चावल के आटा, उसमें हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा और हाफ टी स्पून अजवाइन जिसको अच्छे से मैं इसमें डाल दी। और यहाँ पे हाँ दो हरी मिर्ची और कटा हुआ जो एकदम बारीक हरा धनिया ले लेंगे, एकदम बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ, इसको मिला देती हूँ सभी को। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से और टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ लौकी का। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बना रही हूँ। तो चलिए सारे जो लौकी वगैरह है ना उसमें उसको मैं इस बेसन में और चावल के आटे में इसको डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिला दूँगी। पानी भी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। जब मुझे लगेगा कि इसमें पानी ऐड करना है तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत सारा पानी वैसे भी लौकी में रहता है। तो चलिए मैं जिसमें चॉप किए थे हरा धनिया मिर्ची उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसी पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना हिसाब से लेना है मैं डालते जाऊंगी। तो देखिए बिल्कुल जो इस तरह से हम इसको एक घोल तैयार करेंगे। देखिए हमारा जो घोल बिल्कुल इस तरीके से, थोड़ा सा और उसमें हम पानी डाल देते हैं और यहाँ पर डाल दूँगी 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप ज़रूर डालिए, उससे ब्रेकफास्ट जो एकदम लजीज और एकदम सॉफ्ट बनता है। तो हम यहाँ गैस को ऑन करके क्या किए, नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिए हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिए हैं और उसमें हम फैला देंगे उत्पम। आप चाहे इसको चीला बोल सकते हैं, उत्पम बोल सकते हैं। तो देखिए मेरा फर्स्ट जो चीला है उत्पम है बिल्कुल बन गया है। सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम कैमरे को ऑन नहीं की थी और बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो सेकेंड जो उत्पम है उसको आप देखिए कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो उससे उसको शेप जो है थोड़ा आड़ा तीछा हो जाता है, क्योंकि उसमें ना बारीक बारीक से कटा मिर्ची धनिया डाला है इसकी वजह से। तो आप इसके शेप पे ना जाइए। और देखिए बिल्कुल करारी, एकदम सॉफ्ट ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो जा रहा है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे ताकि हमारा जो उत्पम है वो अच्छे से क्रंची बन जाए। तो इसके लिए हम एकदम चटपटा सा चटनी तैयार करेंगे, वो भी दही तड़का। तो यहाँ पे मीडियम में दही ली हूँ ना, ज़्यादा खट्टा नहीं है ना मीठा नहीं है। और उसमें मैं मिला दी हूँ नमक और तड़का के लिए यहाँ जीरा, 2 लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च और कुछ पत्तियाँ जो है कड़ी पत्ते के हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे डालें कि फट वो क्या होता है फूटने लग जाता है, तो थोड़ा सा केयरफुली तरीके से यहाँ पे डालिए। और यहाँ पे हाफ चम्मच में मिर्च का पाउडर लिए, तो तुरंत हम इसमें डाल देंगे बिना वक्त जाए किए। देखिए हमारी चटनी जो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैं भुना जीरा पाउडर डाल दी हूँ, तो हमारा टेस्टी और यम्मी दही की चटनी रेडी है। और एक चटनी और तैयार कर लेंगे जो है ग्रीन चटनी। तो उसके लिए मैं कुछ जो है हरा धनिया और हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे ले लिए हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के उसको चटनी तैयार कर लूँगी। हमारा ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम चलिए प्लेट लगा लेते हैं। यहाँ पर तो हम उत्पम या चीला जो भी बोल सकते हैं ले लिए हैं और हम ग्रीन चटनी लेंगे। ग्रीन चटनी और दही की चटनी यम्मी टेस्टी, लेकिन माने बहुत टेस्टी और यम्मी बना है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी
कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।